नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रिंस हस्ती फोटोग्राफी में। और आज एक नए सब्जेक्ट पे मैं बात करने वाला हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे पीछे डॉक्यूमेंट खुला हुआ है फोटोशॉप पे, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्किन की रिटचिंग करते हैं। आपने पहले देखा था, मैंने फ्रिक्वेंसी सेपरेशन पर बनाया हुआ था और एक ट्यूटोरियल और बनाया हुआ था स्किन रिटचिंग पर, दो पार्ट में बनाया हुआ था। लेकिन आज हम जानेंगे कि ब्रश की सहायता से, जिसे एयर ब्रशिंग कहते हैं, एयर ब्रशिंग की सहायता से हम किस तरीके से अपनी फ़ोटोज़ में स्मूथनेस और फ्रिक्वेंसी सेपरेशन जैसा रिजल्ट पा सकते हैं, या यूँ कहें कि प्रोफेशनल टच जो एक होता है किसी भी फ़ोटो में या उसकी इसकी स्किन रिटचिंग में, वो एयर ब्रशिंग के थ्रू कैसे पा सकते हैं। मुझे लगता है यह आज तक का सबसे ईजियर स्किन रिटचिंग का ट्यूटोरियल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, 3 से 4 स्टेप में यह कम्प्लीट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूँ। तो देखेंगे, एक डॉक्यूमेंट आपके सामने खुला हुआ है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये जो है इसकी एक मैं लेयर, डुप्लीकेट लेयर बना लूँगा। तो कंट्रोल आर कमांड जे मैं क्लिक करूंगा, और सबसे पहले वही जो आप पहले स्किन रिटचिंग में करते थे, क्या करते थे, जो स्पॉट्स होते थे उनको स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से आप रिमूव करते थे। तो मैं क्या करूंगा, स्पॉट जो हीलिंग ब्रश टूल है उससे क्या करूंगा, मैं स्पॉट्स जो हैं उनको मैं हटा लूंगा। पहले कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है कि ये स्पॉट्स बड़े से हैं और इनको मैं रिमूव कर लूँ, तो मैं वो स्पॉट्स आपको हटा के दिखा रहा हूँ। आप जब भी करें तो थोड़ा सा प्रिसाइसली वर्क करें कि जब जितने भी स्पॉट्स हैं आप अमूमन उनको रिमूव कर लें। तो देख रहे होंगे कि मैं ये कुछ स्पॉट्स जो हैं यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं उनको भरने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है मुझे ये, मैंने कुछ इतने सारे चेंजेस कर लिए। तो देखें, अब लगभग स्पॉट जो थे वो मैंने हटा लिए, बिफोर एंड आफ्टर आप देखें तो कुछ डॉट्स थे वो हटा लिए। मैं इन दोनों लेयर को अब मर्ज कर दे रहा हूँ। देखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शिफ्ट या कंट्रोल से आप सेलेक्ट करके इन्हें इस तरीके से राइट क्लिक करके मर्ज कर ले। तो देखेंगे आपके सामने फिर एक लेयर है, सिंपल बैकग्राउंड लेयर। हम फिर से एक कमांड जे बना लेते हैं, और इस बार क्या करना है, इस लेयर को लेयर ब्लेंडिंग मोड में जाने के बाद यहाँ पर क्या करना है, हमें ओवरले कर देना है। ओवरले करेंगे तो इस तरीके कुछ आपको दिखेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिल्टर पे जाके अदर पे जाएंगे, और हाई पास का जो ऑप्शन था जो शार्पन के लिए हम इस्तेमाल करते थे, कि किसी चीज़ में शार्पन बढ़ानी हो तो हम हाई पास करते थे, और हम आज इसको इस्तेमाल करेंगे स्मूथनेस में। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस तरीके का रिजल्ट आपको कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। मैं यहाँ से लगभग अराउंड 25 कर लेता हूँ, मैं टाइप कर दे रहा हूँ 25 के अराउंड में। यहाँ पर इसकी जो शार्पन है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अब देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस तरीके का रिजल्ट है। ये आपने इसकी शार्पन हाई पास से बढ़ा ली, और बिफोर एंड आफ्टर ये हो गया है। अब मुझे क्या करना है, ये जो आपने शार्पन ऐड करी है इसे इन्वर्स करना है। मतलब जो आपने एजेस को शार्प करा है वो इसमें स्किन पे आ जाएंगे, बाकी चीज़ें इस उल्टा हो जाएंगे, मतलब इन्वर्स हो जाएंगे। जो चीज़ें हार्ड हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी, जो सॉफ्ट हैं वो हार्ड हो जाएंगी। तो जैसे ही आप इसको इन्वर्स करेंगे तो कमांड आई आप शॉर्ट की प्रेस कर सकते हैं। कमांड आई करेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरीके का रिजल्ट है, यानी कि सारी चीज़ें जो थी वो आपकी सॉफ्ट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। देख रहे होंगे कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। तो ये करने के बाद आप क्या करना है, आपको सिंपली अपने कीबोर्ड पर ऑप्शन या ऑल्ट की प्रेस करना है, और यहाँ पर जो एड लेयर मास्क का ऑप्शन है उसे मास्क को क्लिक कर देना है। तो जो कुछ भी आपने यहाँ पर किया था, अगर देखा जाए तो वो सारा का सारा जो है हट चुका है, मतलब हाइड हो चुका है। अब हमें स्किन एरिया सॉफ्ट करनी है ब्रश के थ्रू, तो अब क्या करना है, सिंपली आपको पता है जब मास्क हम किसी चीज़ में लगाते हैं तो यहाँ पर ब्लैक है तो आपको वाइट चुनना है अपने ब्रश पे। तो यहाँ पर ब्रश पे गए और आपने क्या किया, जो ब्रश टूल है वहाँ पर गए, और यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा आपने ब्रश टूल सेलेक्ट किया है। तो हमने जो नॉर्मल सॉफ्ट राउंड ब्रश है उसे हमने सेलेक्ट किया है, और ये ध्यान रखें यहाँ से इसका साइज़ हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से हार्डनेस है तो हार्डनेस को हम 0 ही रखेंगे। और उसके बाद क्या करना है, हमें आ जाना है अपने पैनल पे, ये वाले पैनल पे, और साइज़ हम ब्रैकेट से छोटा या ओपन ब्रैकेट से छोटा होता है और क्लोज ब्रैकेट से बड़ा होता है, तो हम इसे बड़ा या छोटा कर लेंगे। उसके बाद सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पर ब्लैक मास्क लगाया तो आपको यहाँ पर कलर आपको वाइट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ऐसा नहीं दिख रहा तो अपने कीबोर्ड पर डी प्रेस करें, डी से क्या होगा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, और डिफ़ॉल्ट में अगर इसे स्विच करना चाह रहे हो ऊपर और नीचे तो यहाँ पर एक
इस तरीके का एंगल होगा एरो का, तो वहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। अदरवाइज अपने कीबोर्ड पर एक्स प्रेस कर सकते हैं, तो एक्स करेंगे तो आपको वाइट जब मिल जाए तो वहाँ पर आ जाइए और ब्रश टूल सेलेक्ट कर लें। उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी स्किन के ऊपर स्मूथली ब्रश को इस तरीके से कोशिश करें कि बहुत जहाँ पर ब्रश छोटे की ज़रूरत है साइज़ की, वहाँ पर छोटा कर लें ब्रश को, और वही एरिया में करें जहाँ पर स्किन को आपको स्मूथ करना है, किसी और एरिया में ना करें, क्योंकि वहाँ पर जो शार्पन का एरिया होगा वो भी आप खो देंगे। इसलिए क्या करना है, हमें सिर्फ उस एरिया पर ही पेंट करना है जहाँ पर आपको स्किन को स्मूथ करना है। तो आप देखें कुछ, मैं ब्रश को अभी मूव कर रहा हूँ, तो वहाँ वहाँ पर ले जाऊँगा जहाँ पर मुझे स्किन को स्मूथ करना है, मुझे आँखों पर नहीं जाना है। और नोज़ का जो ये ब्लैक एरिया होता है ना, जो नोक का ये एरिया है, वहाँ पर नहीं करते क्योंकि वहाँ से भी शार्पन का पता चलता है। तो आप ऐसी जगह पर ना करें जहाँ से आपकी शार्पन जो है वो लूज़ हो। तो कोशिश करें कि जैसे आँखें हो गई, लिप्स हो गई, उन जगह पर आप इसे पेंट ना करें। और ये एयर ब्रशिंग ऐसा टूल है कि ऐसा माध्यम है कि आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फेस पर वर्क करें, आप किसी भी जैसे कि नेक हो गया, हाथ हो गए, फिंगर्स हो गई, जहाँ पर भी आपको स्मूथ करना है आप इजीली उसे स्मूथ इस तरीके से स्किन को कर सकते हैं। तो देखिए, एक मैंने एक आपको सामने बहुत छोटा सा ट्यूटोरियल, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है और बहुत ईजिली मात्र 2 से 3 स्टेप में आप एक बहुत अच्छी स्मूथ स्किन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आईब्रोज़ के जो ऊपर जो एरिया है, नीचे जो एरिया है, वहाँ पर अगर आप रिमूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ना करें, आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे वो एरिया जो है वो शार्पन में पसंद है, तो मैं इस तरीके से रखूँगा। अभी अभी जहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत कमी लग रही है, आप ब्रश टूल सेलेक्ट करें और उसे पेंट कर लें। तो अगर आप इस वक्त इसका रिज़ल्ट देखें तो कुछ बिफ़ोर एंड आफ्टर, मैं ज़ूम कर लूँ, अगर ज़ूम भी करूँ इस तरीके से तो आप देखेंगे बिफ़ोर एंड आफ्टर, बिफ़ोर एंड आफ्टर। अगर आपको ऐसे नहीं पता चला तो आप इसे ऑफ़ करें, और इसे ऑफ़ करें तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ पर अपना ब्रश फेरा हुआ है या छोटा एरिया सा कौन सा है। तो ये वाला जैसे एरिया छोटा हुआ है तो आप क्या करेंगे, इस एरिया को भी आप नॉर्मली पेंट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर भी आपको लगता है कि अभी ये एरिया रह गया है उस एरिया को आप पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एरिया जो छूटा हुआ था वो आपने कवर कर लिया है। इस तरीके से लेयर को ऑफ करके आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर आपने पेंट किया। तो आप देखें इस वक्त जो रिज़ल्ट आपके सामने है, कुछ बिफोर एंड आफ्टर का कुछ इस तरीके से है। उसके बाद आप चाहें तो इन दोनों को लेयर को मर्ज करके फिर आप बाकी जो कलरिंग के साथ वो करना चाहते हैं, वो आप कलर के साथ में या किसी भी बॉडी को इन्हेंस करना चाह रहे हैं किसी भी जगह को, तो आप इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये एक एयर ब्रशिंग का माध्यम है किस तरीके से स्किन को स्मूथ किया जा सकता है। तो ये बहुत ही छोटा और शॉर्ट ट्यूटोरियल है, आप इसे एक बार इस्तेमाल करके देखें, आपको बहुत ही जल्दी इसका फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि जो ये सर्कल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, कई बार ये ऐसा होता है कि हम बहुत आसानी से नहीं कर पाते, क्योंकि हम अगर पैच टूल भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं स्पॉट बहुत प्रिसाइसली करना होता है। मैं मानता हूँ कि बहुत टाइम नहीं होता लोगों के पास, तो ऐसे क्या किस तरीके से किस माध्यम से हम उसे सही करें। तो ये एयर ब्रशिंग जो आपका ट्यूटोरियल है वो आपके बहुत काम आने वाला है। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस तरीके के जो छोटे ट्यूटोरियल्स हैं और बहुत यूज़फुल हैं, वो उस तरीके के ट्यूटोरियल्स आपको बना के दूँ। तो आप बने रहें अपनी स्वस्थी फोटोग्राफी के साथ, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्रिंस हॉस्टल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।